हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित, कंटिन्यूइंग विद आवर बूट टू रूट टॉपिक। सो ये वीडियो हम लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ ट्राई हैकमी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है कि ट्राई हैकमी ही क्यों, जबकि हमारे पास अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अदर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई हैकमी का क्यों यूज कर रहे हैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, अदर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। देखो, ट्राई हैकमी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? हैक द वॉक। अब यहाँ पे मैं हैक द वॉक क्यों नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो यही है कि वहां पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत कम मशीन है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर सकते हो। तो इसी कारण से मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग होंगे जो कहेंगे मैं खरीद नहीं सकता, तो ऐसा क्या फायदा जिस चीज को मैंने पढ़ाया भी और आप लोग प्रैक्टिस ना कर पाओ। इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई हैक में चुन रहा हूँ। ट्राई हैक में क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90-95% सारी मशीन फ्री है, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और मशीन भी काफी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हैक द बॉक्स पे अलग है, ट्राई हैकमी पे अलग है। काफी अच्छी मशीन है, क्वालिटी काफी अच्छी है, यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है ट्राई हैकमी का, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि अदर ऑप्शंस है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वल्हब। वल्हब पे क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उनका ही सर्वर यूज कर रहे हैं, ट्राई हैकमी वालों का सर्वर यूज कर रहे हैं, हम उनके नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पेन टेस्ट करते हैं मशीन को। अब वल्हब ने क्या कर रखा है बेसिकली, उन्होंने क्या कहा है कि मेरे पे वर्चुअल मशीन पड़ी है बहुत सारी जिनको आप पेन टेस्ट कर सकते हो, आपको क्या करना है बस यहाँ से डाउनलोड करो और अपने पीसी पे रन करो। ठीक है, अपने पीसी पे जैसे हम रन करते हैं नॉर्मल, उसको रन कर सकते हो वीएमवेयर के मदद से, वर्चुअल बॉक्स की मदद से, कैसे भी आप उसको रन करो, और जैसे नॉर्मल आप काली चलाते हो वैसे ही वो मशीन रन करेगी, आप उसको पेन टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि जिनकी 4GB की रैम है उनको बहुत दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने होस्ट मशीन जिसपे वो वीएमवेयर रन कर रहे होंगे, वर्चुअल बॉक्स रन कर रहे होंगे, सबसे पहले तो उसको रैम दे रखी होगी उन्होंने 1 या 2 GB जितनी भी दी होगी। ठीक है, उसके बाद वो काली यानी कि अटैकर मशीन जिससे वो अटैक करेंगे उसको भी रैम देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है जो वल्हब से उन्होंने मशीन डाउनलोड करी होगी उसको भी रैम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक मशीन है, नॉर्मल जैसे काली है विंडोज है वैसे वो भी एक मशीन है, तो उसको भी रैम दोगे तो वो बहुत ज्यादा लैग करेगा, अटक जाएगा कंप्यूटर, कभी शटडाउन ही ना करना पड़ जाए एकदम से, क्योंकि बहुत ज्यादा लैग मार के अटक जाएगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे दोनों का फायदा सबसे बढ़िया ये है कि ट्राई हैक में यूज करोगे फ्री है, दूसरा रिसोर्सेज सब उनकी है, सर्वर उनका है, तो वो काफी स्पीड में चलती है मशीन, काफी अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो यूज करा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारी दो जो वीडियो है पिछली वो बिल्कुल बातों बातों में निकल गई, तो इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ, खुद से शो करूंगा, और यहाँ पे काफी अलग अलग फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस बार ट्राई हैक में। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ट्राई हैक में सिर्फ इसलिए है कि आप जाओगे उस पर मशीन सॉल्व करोगे, ठीक है, और वापस अपना बंद करके रख दो, कुछ मतलब और कुछ नहीं है कि आप जाओ मशीन सॉल्व करो प्रैक्टिस करो और आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स बना सकते हो, ठीक है, उस पर फ्रेंड भी बना सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो लोगों के साथ, तो उसका फायदा क्या है कि आप अपनी कम्युनिटी वाले लोगों के साथ ही कनेक्ट हो रहे हो, है ना, क्योंकि वहां सारे जितने भी होंगे ट्राई हैकमी पे वो सारे कौन होंगे, साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर जॉब कर रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी में, तो उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनसे कनेक्ट हो, ठीक है, उनका ग्रुप बनाओ अपना पूरा, तो उसका फायदा है। दूसरा, आप वहां चैटिंग भी कर सकते हो, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता कि आप ट्राई हैकमी पे चैटिंग भी कर सकते हो जो आपने फ्रेंड्स बनाए हैं उनके साथ, तो ये भी काफी बड़ा फायदा है, काफी नए लोगों के साथ आप बातचीत करोगे, काफी कुछ सीख सकते हो उनसे, काफी कुछ सिखा सकते हो उनको, तो ये काफी फायदा है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी मशीन भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कैसे अपनी बूट टू रूट मशीन को ट्राई हैकमी पे अपलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो, उसको कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा एक ओवरव्यू भी बता दूंगा, बनाते कैसे इन मशीन को, ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बताएं, मैं आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट होना पड़ता है उनके नेटवर्क के साथ, तो ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ। सबसे पहली बात देखो, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि मैं मशीन सॉल्व कर रहा हूँ कैसे करूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा मशीन का, ये सब उसमें मैं ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। ट्राई हैकमी है क्या, रजिस्टर करना है, लॉगिन करो, कनेक्ट कैसे हो उनके नेटवर्क के साथ, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। अगली वीडियो से सीधा मशीन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग भी मेरे को फॉलो करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये कहता हूँ किसी भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट के लिए बूट टू रूट मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप लोग इन पे प्रैक्टिस करना चाहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, मैंने खुद प्रैक्टिस कराया, या आप किन्हीं को देखते हो जिन्होंने करा वो खुद कहेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो मैं काफी अच्छी अच्छी मशीन लाऊंगा, बिगनर से लेकर एडवांस तक की मशीन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे को फॉलो करना, जो मशीन मैं सॉल्व करूंगा उसको प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि आप लोगों को क्लियर होते रहे कॉन्सेप्ट, मैं समझा करूंगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं ट्राई हैकमी पे, ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि भाई रजिस्टर कर लो अपने आप को, ये सब आप खुद से कर सकते हो, नाम भरना है, ईमेल भरना है, पासवर्ड सेट कर दो, ये सब भी अगर मैं बताऊंगा तो यार फिर मैं क्या करूँ, है ना। तो यहाँ पे आप नॉर्मल लॉगिन करके जो पेज पे आओगे वो यही पेज होगा, आपका डैशबोर्ड होगा, ठीक है, जब आप रजिस्टर करने गए तो आप लॉगिन होगे
तो ये आपका डैशबोर्ड होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली कैसा है इसका जीयूआई, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, काफी इजी है, बिगनर्स के लिए बना हुआ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रहता है यहाँ पे ये ऑप्शन, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है, ये काफी काम की, मेन यही है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेसिकली, रिसेंटली आप किन रूम्स के अंदर गए, अब रूम्स क्या है बेसिकली, जो मशीन हम सॉल्व करेंगे ना वो किसी ना किसी रूम का पार्ट होती है। रूम कैसे, मतलब एक रूम के अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं और एक मशीन होती है, तो आपको क्या करना होता है, उन मशीन को रन करके उस मशीन को हैक करना होता है, ठीक है, पेन टेस्ट करना होता है उस मशीन को, और उन क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो जब आप ओएससीपी करते हो, ईजेपीटी करते हो, सीईएच प्रैक्टिकल करते हो, तो उनमें भी सेम होता है, आपको क्या दिया होता है, एक मशीन दी होती है, उस मशीन को हैक करना होता है, और उस मशीन के साथ कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि आपने कौन सा टूल यूज करा, क्या कमांड यूज करे, क्या फ्लैग मिले, तो वो सब क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वो सब भी आपको फिल करने होते हैं मशीन को हैक करते करते साथ, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कवर हो जाता है। तो रूम के अंदर क्या रहता है बेसिकली, यही होता है, एक मशीन दी होगी एक रूम के अंदर और कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मेरे को बता रखा है कि कौन कौन से रूम में रिसेंटली, मैं सबसे रिसेंट यानी कि सबसे लास्ट में मैंने कौन कौन से रूम ज्वाइन करे हैं, ठीक है, कौन कौन से मशीन सॉल्व करी, कितना करा, अगर ये पूरा है यानी कि यहाँ टिक आ रहा है तो 100% सॉल्व कर दी, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे दिखा रहा है कि इतने ही करेक्ट करें, 105 आंसर करेक्ट दिए हैं, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, टिक नहीं है इसका मतलब ये वाला रूम सॉल्व नहीं करा है पूरा, ठीक है, इसको मैंने आधा करके दिया, जितना भी ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इतना पाए चार्ट के हिसाब से दिखा रहा है, तो इतना मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे यूजर्स लिखा आ रहा है, तो यूजर्स क्या है बेसिकली ट्राई हैक मी पे, यहाँ पे ग्लोबल में कितने यूजर्स है, ग्लोबल का मतलब क्या है, आप अगर नहीं समझ रहे हो, ग्लोबल का मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हर कंट्री के मिला के यहाँ पे जितने रजिस्टर्ड यूजर हैं TryHackMe के अंदर, वो हैं 3,37,975, काफी सारे हैं यार, आप देखो तो लगभग 3.5 लाख यूजर्स, ये सारे साइबर सिक्योरिटी वाले स्टूडेंट्स, जॉब्स वाले जने हैं, तो सोचो आप इन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो, कितना कुछ आप लोगों को सीखने को मिल सकता है, काफी सीनियर भी मिलेंगे, काफी जूनियर भी मिलेंगे, काफी आपके लेवल के मिलेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, उनसे कनेक्ट हो, बात करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइड में लिखा रहता है आपकी ग्लोबली रैंक क्या है, यानी कि आप ग्लोबल पे इन इन इतने यूजर्स में आपकी रैंक क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरी दिखा रहा है 2016, तो आपकी मे भी और अच्छी हो सकती है, आपकी कम हो सकती है, तो उस पर कोई मतलब ये मत सोचना, ये टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करती है, ठीक है, टाइम लगता है इसको ग्रो करने में। अब यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो लर्निंग पाथ बेसिकली क्या है, अगर आपने वीआईपी वाला खरीदा है, यानी कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ जाओगे गो प्रीमियम, यानी कि आप पैसे देके अगर इसका प्रीमियम वर्जन, आप चाहते हो कि मैं फ्री से ज्यादा प्रीमियम वर्जन पे जाऊं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पे करना पड़ता है हर महीने का 750 रुपए, और 750 रुपए कुछ ज्यादा नहीं, महीने का दे रहे हो आप, तो इससे ज्यादा तो मैं नेटफ्लिक्स का दे देता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो फिर उससे काफी अच्छा है, नेटफ्लिक्स से ज्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन हो रही है हमारे को, अगर आप बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे 750 रुपए आपको मंथ के देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करने के फायदे क्या है, अगर आप यहाँ पे देते हो तो इन्हें फायदे क्या है, सबसे पहली बात तो आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज मिलती है, सबसे बड़ी बात, पाथवे जिन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज हर चीज के लिए, चाहे वो वायर शार्क को टूल हो, या फिर आपको काली के बारे में पढ़ना हो, लिनक्स के बारे में पढ़ना हो, आपको नेटवर्किंग पढ़नी हो, हर चीज के यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अटैक बॉक्स, अगर आप लोगों पे काली नहीं है, उबंटू नहीं है, कोई मतलब लिनक्स नहीं रन कर पा रहे, कुछ भी रीजन है, तो ये लोग आपको वो भी देते हैं कि आप हमारी मशीन से हैक करो हमारी मशीन पे, यानी कि ये भी वही देंगे, अपने सर्वर पे काफी फास्ट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जो उनके मैंने बताया उनके नेटवर्क से हमें कनेक्ट होना पड़ता है, तो जो स्पीड होगी मशीन को एक्सेस करने की बहुत तेज होगी, ठीक है, जो रिजल्ट आएंगे एनमैप वगैरह करोगे तो काफी अच्छे से तेजी से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फास्टर मशीन आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे रूम्स भी हैं जो सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए, यानी कि जिन्होंने पैसे दिए हैं, सिर्फ कुछ लोग, कुछ रूम्स ऐसे हैं जो उन लोगों को ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये वो वाले रूम्स है, यानी कि वो ही सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ रूम बहुत कम, मैंने बताया 5-6% होंगे, बाकी सारे फ्री हैं, ठीक है। तो वो वाले रूम्स आप एक्सेस कर सकते हो इससे। तो यहाँ पे नीचे लिस्ट में इन्होंने दिए क्या फायदे हैं, उसके बाद यहाँ कुछ रिव्यूज दिए हैं, ये पढ़ सकते हो आप, तो ये आपकी मर्जी है, आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं दोबारा से डैशबोर्ड, यहाँ क्लिक करोगे तो दोबारा से आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए दिख रहा है लर्निंग पाथ वाला, कि जिन लोगों ने वीआईपी लिया होगा तो वो यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या लर्निंग पाथ है, मतलब आपने ये कवर कर लिया, आपने ये पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, तो उसके बारे में यहाँ पे आपका रहेगा, अगर आपने खरीदा और काफी अच्छा है। जिन लोगों को लगता है कि मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, तो 750 रुपए दो और सारी रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है किसी एक चीज की मिलेगी, कि मैंने 750 दिए तो मैं सिर्फ लिनक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, नेटवर्किंग के बारे में, सब चीजों के बारे में काफी अच्छे से दिया हुआ है, और हैंड्स ऑन होगा, सबसे बड़ी बात है हैंड्स ऑन सिखाया जाता है यहाँ पे, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको मशीन दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, तो उससे आपको सब कुछ क्लियर होता रहेगा, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब कुछ क्लियर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगी आपकी एक्टिविटी क्या है बेसिकली, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ ब्लैंक है, जैसे एक्टिविटी मतलब आप कितना ऑनलाइन रहे, तो मैं बिल्कुल बहुत टाइम पहले मतलब मैं मेंटेन करता था अपनी रैंक वगैरह, अब तो यहाँ पे काफी नीचे आ गई है, पहले मैंने मेंटेन करी, काफी खेलता था मैं TryHackMe पे, अब मैं बोर हो गया था, काफी सारी मशीन मैंने सॉल्व कर दी, बहुत मशीन सॉल्व करी थी,
उसके बाद मैं बोर हो गया तो यहाँ पे रैंक नीचे आ गया, इस कारण पहले मैं मेंटेन करता था इस रैंक को। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं न्यू रूम्स, ठीक है, न्यू रूम्स मेरे में दिखा नहीं रहा है, पता नहीं अभी क्या इश्यू चल रहा है इसका थोड़ा सा वेब के में। यहाँ पे आपको न्यू रूम्स जो लॉन्च होंगे ना वो यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, भाई ये नया रूम आया है, भाई ये नया रूम आया है, उसके बारे में बताता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे लेवल, कि आपकी लेवल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो भी लेवल हो सकती है, मेरे को नहीं पता आपकी क्या लेवल होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है कि ये आपकी नेक्स्ट लेवल, ये याद रखना, ये नेक्स्ट लेवल लिखा है यहाँ पे, याद रखना कि आपकी नेक्स्ट लेवल कौन सी आएगी। अभी आप अगर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल लेवल लिखा है तो मेरी कौन सी लेवल हुई, मैं 10th लेवल पे हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक टैग मिलता रहता है, जैसे मेरे को 11th में मिल जाएगा कि मैं मास्टर बन जाऊंगा, उसके बाद मेरे ख्याल और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, गॉड होता है, गुरु होता है, काफी अलग अलग है, मेरे को याद भी नहीं है शायद, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बार मिलता रहेगा कि भाई आपके कितने पॉइंट्स रह गए हैं अगली लेवल पे जाने के लिए, यानी कि मैंने जो लेवल 10 पे और इतने पॉइंट्स कवर कर लिए, मैं इतने और करूंगा तो मैं लेवल 11 पे चले जाऊंगा, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा कैसे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपके फ्रेंड्स लिखे रहेंगे, अगर आपके फ्रेंड्स है बनाओ, ठीक है, मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूजर नेम आपको बताया तो मेरा यूजर नेम है हेल्थ सेंडर एच छोटा ही है, तो आप मेरे को भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड बना सकते हो आप। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि मेन क्या काम है, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले लर्न पे जाते हैं। अब लर्न पे आप लोगों का कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है, ठीक है, ये लर्निंग के लिए, बेसिकली लर्निंग के लिए रिसोर्सेज दिए हैं, जिनको इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग पढ़ना है, मालवेयर एनालिसिस पढ़ना है उस पर क्लिक कर सकते हो, विंडोज फंडामेंटल क्रिप्टोग्राफी पढ़ना है तो उस पर क्लिक कर दो, उससे रिलेटेड ये आपको मिलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं ऑल रूम्स, मुझे सारे दिखाओ, ठीक है, मुझे अभी कैटेगरी नहीं देखनी, मुझे सारे देखने हैं। तो जब ये सारे आपको दिखाएगा तो आप उसमें चूज कर सकते हो आपको जो बढ़िया लगे, ठीक है, कि मेरे को ये वाला खेलना है, ये वाला नहीं खेलना। उसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, जैसे यहाँ पे है वेब का ऑप्शन है, यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन है, यहाँ फॉरेंसिक्स का है, रिवर्सिंग का है, तो जो जो जिस टाइप के आपको देखने। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वेब पे क्लिक कर दिया तो मुझे सिर्फ वेब से रिलेटेड, यानी कि वेब से रिलेटेड जिन पे मैं वेब की प्रैक्टिस कर पाऊँ ऐसे ही दिखाए जाएंगे। विंडोज पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ विंडोज की मशीन, मैं फॉरेंसिक्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ फॉरेंसिक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगे, नेटवर्किंग पढ़ना चाहता हूँ मान लो तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने होंगे वो रूम्स दिखाए जाएंगे, क्रिप्टो पढ़ना चाहता हूँ तो क्रिप्टो से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सब दिखाए जाएंगे। और अगर आपको सारे ही देखने, ठीक है, कोई कैटेगरी चूज मत करो, जैसे यहाँ सर्च पे क्रिप्टो रखा तो क्रिप्टो हटा के आप सारे दिख जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं ऐसे ही करता था वैसे, क्योंकि मेरे टाइम तक ये सब नहीं आए थे, काफी नया फीचर है, वेब विंडोज वगैरह काफी बाद में आया। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये है, यहाँ पे टिक लगे हुए हैं, तो ये सब मैंने सॉल्व कर लिए, और जो सॉल्व नहीं करें यहाँ पे एक बार सा टाइप का आता है, प्रोग्रेस बार टाइप का, वरना यहाँ पे टिक रहेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करता था, जो मेरे सामने आ रहा था मैं खोलता था, उसको सॉल्व कर देता था, फिर वो टिक हो जाता था। और उसके बाद यहाँ पे आप फिल्टर कंप्लीट पे करोगे तो आपके कंप्लीट जो है वो वाले नहीं दिखाए जाएंगे, उसके अलावा जो भी आपने नहीं करे कंप्लीट वो सारे यहाँ पे आएंगे। जैसे आप बर्ब स्विट से रिलेटेड आपको दिख रहा है, ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओवास टॉप 10 जिसको वेब की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे वेब फंडामेंटल्स दिया है, एनमैप आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखो कितना कुछ अच्छा यहाँ पे है कि प्रैक्टिस करने को बहुत कुछ मिलेगा, आप सब कुछ आप हैंड्स ऑन कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे आओ। तो यहाँ से जो कंटिन्यू हम करेंगे वो अगली वीडियो से करेंगे, अगली वीडियो में बताऊंगा कौन सी मशीन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले वो वाली मशीन करेंगे, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे आते हैं कॉम्पीट में। अब कॉम्पीट में क्या है, बेसिकली आप जाओ लीडर बोर्ड पे, ठीक है, लीडर बोर्ड पे क्या है, आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स कौन से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा बना हुआ आता रहेगा कि ये सारे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, आपको दिखेगा ये ग्लोबल की रैंक है पूरी, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रैंक है। आप अपनी कंट्री भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे अभी ऑल कंट्रीज है तो ऑल कंट्री में सबसे ज्यादा किसके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बेसिकली बढ़ते कैसे हैं, मैंने आपको बताया रूम के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं और मशीन्स होते हैं, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस के आपने अभी तक सॉल्व करे होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं आपने मशीन सॉल्व कर दी और वहाँ पे फिलअप नहीं करे क्वेश्चन, तो उनको नहीं पता चलेगा कि आपने वो सॉल्व करा नहीं करा, आपसे हुआ नहीं हुआ। तो जितने ज्यादा आप लोग सॉल्व करोगे, उन क्वेश्चंस को फिलअप कर दोगे, फुल सबमिट कर दोगे, उतनी रैंक आपके, उतने पॉइंट्स आपके बढ़ेंगे और उतनी आपकी रैंक बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे यहाँ टॉप 50 है, तो आप इनको दोस्त बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इनसे बात कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बग हंटर कितने सारे, तो जो बग बाउंटी में जाना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी चीज है यहाँ पे, है ना, तो वो सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, मान लो इंडिया में चूज करता हूँ कि इंडिया की रैंक दिखाए मुझे इंडियन प्लेयर्स की, ठीक है, मुझे सिर्फ अपनी कंट्री के प्लेयर देखने, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया मिल गया जैसे, तो यहाँ इंडिया के जो टॉप 50 प्लेयर्स होंगे वो आप लोगों को दिख जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो आप लोग सॉल्व करो, आप इंडिया के टॉप प्लेयर्स में दिखोगे तो मैं भी देख सकता हूँ आप लोगों को, कि मैं खोलूंगा ट्रैक में भाई इंडिया के टॉप प्लेयर्स दिखाओ, आपका नेम भी हो सकता है इनमें से कोई, है ना, तो वो भी काफी अच्छा लगता है अपने आप में दिखाने में, और आप दिखा भी सकते हो लोगों को मेरी ये रैंक रही है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मतलब मेरे को हैंड्स ऑन भी करना आता है, मुझे थ्योरी भी पता है, मुझे सब पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है डेवलप का ऑप्शन। अब डेवलप के ऑप्शन में बेसिकली क्या है कि आपको अपलोड करनी है अपनी मशीन आपने बनाई है, जैसे इन लोगों ने बनाई है,
तो आप भी चाहते हो तो आप अपनी VM यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, बना के खुद से उसमें चैलेंजेस बनाओ, ठीक है ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सीखना है ये भी कि कैसे हम खुद से मशीन्स बना सकते हैं, चैलेंजेस बना सकते हैं, तो ये भी मैं सिखा सकता हूँ अगर आप लोगों की डिमांड रहे, ठीक है। क्योंकि ये तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपके कहीं किसी जॉब में काम आएगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप चाहते हो कि आप खुद से TryHackMe हैक द बॉक्स पे अपने VMs करो, तो आपको सीखना पड़ेगा कि वो बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कैसे आप खुद से अपने बॉक्सेस बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप बना रहे हो तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड वर्जन है कि ये Ubuntu के सिर्फ इन वर्जन को ही सेलेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपने इसके आउट ऑफ द कुछ दिया कि जैसे मैंने जो अपलोड करे थे, एक बार अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, एक दो बार करे मैंने जैसे अपलोड, तो यहाँ पे मैंने एक बार कर दिया था 20.0 जो लेटेस्ट है ना Ubuntu का 20 वाला चल रहा है, तो मैंने वो अपलोड कर दिया, तो उन्होंने मना कर दिया कि अपलोड नहीं हो क्योंकि हमारे रजिस्टर्ड के अंदर ये है ही नहीं, ठीक है। तो आपको इन वर्जन के अंदर वाली Ubuntu ही अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम मैंने एक बार Debian का बनाया कि मैंने सोचा Debian के चैलेंजेस, मतलब Debian मशीन बनाते हैं उसमें चैलेंजेस वगैरह ऐड कर दिए, तो Debian जो चल रहा है इस समय वो चल रहा है 10. कुछ वर्जन, ठीक है। और मैंने उसी में बनाया क्योंकि नॉर्मली हमें वही मिलता है, मैं वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेता था और यहाँ पता चलता है कि भाई लेटेस्ट वाला ये यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 8 वर्जन वाला ही मुझे डाउनलोड करना था, तो वो भी वेस्ट हो गया था, मतलब मेरे पे पड़ा रह गया लोकल, मैं उसको अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये भी है, तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे अदर ऑप्शन है, अदर ऑप्शन पे आप देख सकते हो कि आपको वाउचर बाय करने, किसी दोस्त को गिफ्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे डेवलप करने, रूम से मैंने बताई थी डेवलप का ऑप्शन हो गया, मैसेज करना है किसी को, ठीक है, आपका कोई दोस्त है या किसी को मैसेज करना, तो आप उसका यहाँ पे यूजर नेम डालो और आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे चैटिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे चैटिंग भी हो सकती है। तो आई होप सो आपको एक क्लियर हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे हम लोग यहाँ पे इनके नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इनके नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर लिखा रहेगा भाई किस सर्वर से कनेक्ट होना है और सब कुछ लिखा रहता है बेसिकली, ठीक है। अब वो फाइल आपको कहां से मिलेगी, ठीक है, वो होगी ओपन वीपीएन, मतलब हम जो कनेक्ट होते हैं ना एक वीपीएन के थ्रू इनके नेटवर्क से, तो ये लोग यूज करते हैं ओपन वीपीएन। तो आपको क्या करना है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिखेगा, आपने अगर आइकन वगैरह कुछ लगाया होगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाना है एक्सेस में, यानी कि आपको मशीन से एक्सेस करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो आपको एक्सेस में जाना है। एक्सेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये कह रहा है कि भाई आपकी कॉन्फिगरेशन जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्वर दिख जाएंगे, हमारे जो सबसे पास वाला है हमें वो करना है, जैसे AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, US के पास है हम, EU के पास, तो सबसे पास या तो हमारे रहेगा EU या फिर AU, ठीक है, मतलब AU यानी कि ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप हमारे पास रहेगा, US थोड़ा ज्यादा दूर हो जाता है इन दोनों के कंपेरेटिवली, तो या तो आप ऑस्ट्रेलिया की कोई फाइल डाउनलोड कर लो या फिर आप यूरोप की कर लो। मैंने यूरोप की करता हूँ नॉर्मली, तो यूरोप का रेगुलर 2 यूज करता हूँ मैं, क्योंकि हर किसी का रेगुलर 1 दिया होता है तो सबसे पहले कर लेता है, तो बहुत भीड़ रहती है उस सर्वर पे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, उसके बाद यहाँ पे आपने सेट कर दिया कि आपको ये मेरे को रेगुलर 2 चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे कर दो डाउनलोड माय कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद, आपने यहाँ पे दिख रहा है इसका एक्सटेंशन क्या है, OVPN यानी कि ओपन वीपीएन की फाइल है, तो आप यहाँ पे इसको सेव करने के बाद आपको चलना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। तो जहां पे भी आपने सेव कर रहा होगा वहां चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, आपको पता है कैसे यूज करना है, तो CD डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा है, तो उसके बाद आपको करना है LS और आपका जो यूजर नेम होगा उसी से नाम की यहाँ पे आ जाएगी, जैसे मेरा हेल्थ सेंटर मैंने आप लोगों को बताया, तो उसी नाम से यहाँ पे आ गया जैसे healthcenter.ovpn, तो हमें यही फाइल चाहिए। तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे ओपन वीपीएन, ठीक है, ओपन वीपीएन, उसके बाद यहाँ पे उसी फाइल का नाम लिख दो बस, healthcenter.ovpn। जैसे आप एंटर मारोगे तो आप इनके सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे, जैसे ये कह रहा है यहाँ पे लास्ट में ये लाइन आनी चाहिए आपके, ठीक है, कि हमारा सीक्वेंस जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कनेक्टेड नहीं हूं मैं, कोई मेरे को IP भी नहीं मिली हुई है ना। अब मैं इसी को रीलोड मारता हूँ, यहाँ पे ये रीलोड का बटन मिल जाएगा, तो जैसे ही मैं रीलोड मारूंगा तो अब ये कह रहा है आप मेरे से कनेक्टेड और आपकी ये IP है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे IF कॉन्फिग करके दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं खोलता हूँ यहाँ पे नया और IF कॉन्फिग करता हूँ, तो IF कॉन्फिग करने पे आपको एक यहाँ दिख जाएगा TUN0, तो ये मेरे यहाँ पे बेसिकली जो इसकी IP होगी ये हमारी उनके नेटवर्क यानी कि TryHackMe का जो नेटवर्क है उसके अंदर मेरी IP ये है। अब मैं TryHackMe की कोई भी मशीन को हैक करने के लिए, पेनटेस्ट करने के लिए उससे कनेक्ट होऊंगा जैसी, ठीक है, तो उस मशीन के लॉग्स में मेरी कौन सी IP जाएगी, ये वाली मेरी IP ये हो चुकी है बेसिकली TryHackMe के नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो मेरी ये IP है। और अगर आपका लोकल एरिया नेटवर्क की तो यही रहेगी जो आपकी IP होगी 192 करके, लेकिन TryHackMe के लिए ये आपकी IP हो चुकी है। अब आपको समझ आ गया कैसे हम लोग कनेक्ट होते हैं। अब इसके बाद कनेक्ट हो गए तो अब आप कोई भी मशीन आप जाके सॉल्व कर सकते हो, लर्न पे जाओ, ठीक है, लर्न पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑल रूम्स, उसके बाद आपको जो भी मशीन पसंद आ रही है, ठीक है, उस मशीन के अंदर जाओ, जैसे मान लो मुझे ये इसमें जाना है, ठीक है, इसमें जाने के बाद जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो यहाँ पे टिक लगे जैसे मेरे तो काफी सारे, तो यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन, डिप्लॉय का मतलब आप इस मशीन को रन कर दो और उसके बाद आप उसको अटैक कर सकते हो, आपको IP मिल जाएगी उस मशीन की, यहाँ बड़ा बड़ा लिखा जाएगा भाई जिस मशीन को आपने ऑन करा है
ये उसकी आईपी है और उसको आप हैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है बेसिकली, पूरा आपको समझ आ गया, होप सो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो ट्राई हैक मी के बारे में। ठीक है, जो जो नहीं पता था वो पता चल गया, और जिनको पता था उन्होंने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।